गोवर्धन में DMSSP ने निर्वाचन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, साथ ही मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा और मजबूत बैरिकेडिंग लगाने के दिए निर्देश। DMSSP अधीनस्थ अधिकारियों के साथ आज गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी समिति में निकाय निर्वाचन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर स्ट्रांग रूमों के बाहर कड़ी सुरक्षा और मजबूत बैरिकेडिंग कराने के निर्देश SDM कमलेश गोयल को दिए। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की हकीकत जानने सोमवार को DM पुलकित खरे, SSP शैलेश कुमार पांडेय गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने मंडी समिति में चार नगर पंचायतों के निर्वाचन के लिए बने स्ट्रांग रूमों का बारीकी से निरीक्षण किया। सौंक, गोवर्धन, राधाकुंड और बरसाना नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदान के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी RO को सभी बूथों के निरीक्षण कर व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। DM खरे ने मंडी समिति में स्ट्रांग रूमों के बाहर मजबूत बैरिकेडिंग कराकर सुरक्षा के व संवेदनशील बूथों पर भी सुरक्षा के उचित प्रबंध कराने के निर्देश SDM कमलेश गोयल और इंस्पेक्टर ओम हरि वाजपेयी को दिए। नगरी निकाय के चुनाव बिल्कुल निकट आ चुके हैं और 4 तारीख को मतदान होना है पूरे जनपद में। इसको लेके आज मेरे द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा, गोवर्धन तहसील के अंतर्गत आके यहाँ पे जो मंडी में डिस्पैच सेंटर है, स्ट्रॉन्ग रूम है और यहीं पे भी बाद में काउंटिंग भी होनी है, इन स्थानों को देखा गया। यहाँ से नगर पंचायत गोवर्धन, सौंक, राधाकुंड और बरसाना, 4 नगर पंचायतों की पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी और यहीं पे आके उनके बक्से भी जमा होंगे। यहाँ पे आके जो हमारे कार्मिक हैं उनसे बात करी गई, जो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, RO साहबान हैं, इन सब से यहाँ के क्षेत्र का जायज़ा लिया गया, तैयारियों का जायज़ा लिया गया। निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और पूरा प्रशासन इसको लेके कटिबद्ध है और हम लोग इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। संवेदनशील बूथों का भी आकलन लिया गया, लगभग अगर हम चारों नगर पंचायतों के मिला के बात करें तो 12 से 15 बूथ ऐसे हैं जिनको विशेष रूप से चिन्हित करा गया है, जिन पे संवेदनशीलता की दृष्टिगत अधिक नज़र रहेगी। शेष बूथों के ऊपर भी फोर्स की पूरी व्यवस्था रहेगी, मजिस्ट्रेट्स रहेंगे, सेक्टर और जोनल के माध्यम से भी लगातार हर क्षण इस पर नज़र रखा जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो। अलग अलग नगर पंचायतों के हिसाब से हम लोगों ने सेक्टर और जोन बनाए हैं। जो छोटी नगर पंचायतें हैं उनमें एक ही जोन है, 2 सेक्टर हैं और अगर हम गोवर्धन की बात करें तो गोवर्धन में अधिक मात्रा में जोन हो सकते हैं।